अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान की पहली सहरी जो है वो मुबारक हो। अब मैं उठा हूँ रमज़ान की पहली सहरी रखने के लिए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये रमज़ान खैर वाफिया से गुजारे और मौसम को ठंडा रखे। ये जो गर्मी एकदम पड़ गई है, इसकी हिद्दत जो है उससे हमें महफूज रखे। तो आप भी सहरी के लिए उठें और अपना पहला रोज़ा रखें, तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत नाजिल करें, आमीन। तो चले, मैं बना रही हूँ आलू और प्याज़ों के मिक्स पकोड़े। तो ये मैंने प्याज काटे हैं पहले तीन चार, और ये दो आलू मैं लंबे लंबे काट रही हूँ। ये मेरे पास इजना भी आई है, ये कहती है मैंने काटना है, तो ये मेरे साथ साथ रहती है तो तंग भी करती है। तो ये देखें, खड़ी है साथ मेरे। तो ये मैंने काट लिए हैं आलू और प्याज। इजना खाने आपने नहीं, वह देख रही है बस। तो देखिए, अब ये मैंने सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं इसमें, और ये देखिए इतना शरारतें लगी हैं अपनी करने। तो देखें, अब मैंने बेसन डाला है, बेसन डाला है मैंने, और इसमें ये मैंने डाला नमक। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। और ये मैंने ज़ीरा डाल दिया है, और ये सुरख मिर्च डाल दी है मैंने, और ये साबुत धनिया है। इसको हथेली पे इसको ऐसे मल के क्रश करके डालूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने डाल दिया और ये मैंने थोड़ी अजवाइन डाल दी है, ये कुटी लाल मिर्च डाल दी है, और ये सूखी मेथी भी डाल दी है, और ये थोड़ा सा मीठा सोडा एक चुटकी के बराबर डाला है। और अब पानी डाल के इसको मैं धो लूँगी। तो अब इसको मैं फ्राई करूँगी। ये धनिया भी डाल दिया, हरा धनिया। देखिए, मिक्स कर लिया सबको। आलू प्याज इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने कढ़ाई में तेल डाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले मैं शुरू करती हूँ। मैं डालती जाऊँगी पकोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कुछ छींके आ रही है चले जी, ये मैंने डाले हैं, और इनको थोड़ी देर बाद मैं इनको उल्टा दूँगी। ये देखें, एक तरफ से ब्राउन हो गए हैं, अब दूसरी तरफ से भी अभी हो जाएंगे। तो वैसे तो आलू के अलैहदा भी बनते हैं, बैंगन के बनते हैं, प्याज़ों के अलैहदा बनते हैं, पालक के बनते हैं, वो भी मैं डिफरेंट डिफरेंट बनाते रहते हैं बारी बारी। आज पहला दिन था तो मैंने कहा चलो ये मिक्स बना लेती हूँ आलू और प्याज़ों के। ये देखें बन गए, बहुत अच्छा कलर है। तो इनको अब निकाल लेती हूँ, फिर दूसरे डालूंगी। और ये मैंने और डालना शुरू किया है। अब गर्मी भी शुरू हो गई है काफ़ी। वैसे तो अप्रैल के महीने में ठंडा ही होता है, लेकिन थोड़ी शुरू हो गई गर्मी। इतना आप क्या कर रही हो बेटा? चलिए इतना बैठ गए। चले देखें, सारा रख दिया सामान, दही भले भी बनाए हैं मैंने, और ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए, आप रोज़े का टाइम हो गया है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।
अल्लाह ताला आपको अपनी फ़ुसामान में रखे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। बाबा बाबा बाबा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? आप सबको रमज़ानुल मुबारक मुबारक हो। आज मैं सारा दिन अपनी शॉप पे रहा हूँ और अभी शॉप बंद करके आया हूँ। दिन भी अच्छा गुजर गया है, रोज़े का पता भी नहीं चला। तो अभी रोज़े का टाइम हो रहा है अफ्तारी का, तो ये मैंने थोड़ा सा इंतज़ाम किया है। तो ये बस अभी थोड़ी देर तक अजान होती है तो फिर हम अफ्तार करेंगे। तब तक के लिए आप भी अफ्तारी करें। अल्लाह हाफिज़।